वेलकम ऑन मेरी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बेबी ड्रेस बनानी बताएंगे। तो ये हमारे पास जो इस फैब्रिक है, ये हमारे पास ये डबल फोल्ड है और जो इसकी लेंथ है वो देखिए 20.5 इंच की है और जो इसकी चौड़ाई है वो 16 है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब ये हमारे पास 4 फोल्ड है, ये देखिए 4 फोल्ड है हमारे पास ये। अब जो इसमें हमें तीरा लेना है वो हमें 4.5 इंच का लेना है और जो आर्म होल का निशान है वो भी हम 4.5 इंच पर लगाएंगे, 4.5। अब जो हमें चेस्ट का निशान लगाना है वो 6.5 इंच पर लगाएंगे और ऊपर से हम 5 इंच पर जो कमर का निशान लगाना है वो 5 इंच पर लगाएंगे और कमर का जो निशान है वो 6 इंच हम रखेंगे और यहाँ से जो हम चाक छोड़ेंगे वो 5.5 इंच पर छोड़ेंगे और जो हिप का निशान है वो हम 7 इंच पर लगाएंगे और जो इसमें पल्ला रखेंगे वो भी हम 7 इंच और पल्ला भी हमें 7 इंच पर रखना है, ये देखिए 7। और इसकी हम गोलाई देंगे, अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे और ये आगे हमारे पास मार्जिन का कपड़ा होगा। और गले की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच की रखेंगे और जो आगे का गला है वो 3 इंच का हम रखेंगे। और पीछे का गला हम 2 इंच का रखेंगे। और गुदाई देंगे हम पीछे के गले में और ये हम आगे के गले में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले पीछे के गले की कटिंग करेंगे। अब जो निशान है वो हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब ये निशान हम इस तरफ भी लगा लेंगे तो इनको हम डार्क करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए हैं। अब जो आगे का पीस हम अलग करेंगे और जो पीछे का पीस है सबसे पहले आगे के गले की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले आगे के गले की कटिंग करेंगे और अब पीछे का पीस, तो ये पीछे का पीस है और इसमें हमें 2.5 इंच का यहाँ कटिंग लगाना है सेंटर का। तो ये 2.5 इंच का कट हमने लगाया है। अब ये हम यहाँ पर इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। सबसे पहले इसके तीरे जोड़ेंगे। तो दोनों तीरे हमने जोड़ दिए। अब सबसे पहले हम तो ये स्ट्रिप हम गले पर लगाएंगे तो इस तरह फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये उल्टी साइड हमें लगानी है। कट हम इसमें लगाएंगे छोटे छोटे इस तरह से और देखिए छोटे छोटे कट हमने इसमें लगा लिए हैं, ये देखिए। अब इस तरह करेंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
इसको इस तरह सीधी तरफ करते यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह हमें दोनों तरफ लगानी है आर्म होल की साइड। अब छोटे छोटे कट हम इसमें लगाएंगे जैसे हमने गले में लगाए थे। तो देखिए इस तरह कट लगाने के बाद हम फिर से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे किनारे पर यहाँ पर, और फिर इसको हम सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसी के अनुसार हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से पूरा मिलाकर थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इस तरह से पहले एक छोटा फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह फोल्ड कर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह पीछे का पल्ला भी हमें इसी तरह फोल्ड करना है। अब देखिए पल्ला में 14 इंच का रखना है तो हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और 7 इंच पर इस तरह से करके हम 7 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और चारों अपने इस तरह से जो पल्ला फोल्ड किया हुआ है उन पर चारों पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इधर भी और इधर भी। अब इसी के अनुसार हम अपने जो इसमें हमने चाक बनाने हैं छोटे छोटे चाक बनेंगे, तो इस तरह फोल्ड करके हमें यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और जितना निशान इधर लगा हुआ है उसी के अनुसार हमें इधर भी फोल्ड करना है, ये इस तरह से करते हुए। बिल्कुल निशान के अनुसार ये निशान लगा हुआ है। इसी तरह दूसरी तरफ के भी हमें चाक फोल्ड करने हैं बिल्कुल निशान के अनुसार। निशान ऐसे आना चाहिए हमारा और हिप इस तरीके से। अब इस तरह हम यहाँ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको लगानी शुरू करेंगे। जितना हमारा पल्ला तैयार है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, या आप काट भी सकते हैं थोड़ा सा रख के और इस तरह फोल्ड करके कपड़ा पूरा आगे की तरफ इस तरह निकालते हुए झोल ना आए। यदि हम इसको ढीला छोड़ देंगे तो झोल आ जाएगा। और किनारे किनारे को सिलाई लगानी है और उसके बाद इस तरफ ऐसे करके और नीचे निकालना है।
और देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी खुद हमने बना कर तैयार कर दिया। अब इसके नीचे हम एक इसका पजामा बनाएंगे, ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसका थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हम बनाएंगे, और ये भी हमारे कुर्ते में से बचा हुआ कपड़ा था उसी में से हमने इसको बनाया है, और ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हम इसका ट्राउज़र बनाएंगे। अब देखिए, जो हमें इसके अंदर ट्राउजर इसका ट्राउज़र बनाना है, तो उसकी जो हमने लेंथ ली है ये 21 है, और ये डबल है पीस है दो, और इसकी जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच में है। हम इसको डबल करेंगे इस तरीके से। अब जो इसकी आसन का निशान है वो हम 11 इंच पर लगाएंगे, और इधर से हमें कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ हम नीचे की तरफ करेंगे। और जो मोरी है इसकी हम 4.5 इंच की रखेंगे, आगे हम 1 इंच का मार्जिन का कपड़ा रखेंगे, और इसकी हम कटिंग करेंगे। और जो फिटिंग की सिलाई है वो हम ये देंगे, ठीक है। इसमें हमें ये हमने डबल फोल्ड में हमने 9.5 ली हुई है, और ये खुल के हमारी 19 इंच की है। अब सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, और एक सिलाई हम इधर लगाएंगे और एक सिलाई हम इधर लगाएंगे। और डबल सिलाई हम लगाएंगे इसके ऊपर। जैसे हमने सिलाई इधर लगाई है, इस तरफ भी हमें सीधा लगानी है। अब लास्टिक में हम इस तरह रखेंगे, और यहाँ पर अच्छी तरह पक्की करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमने कई सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लिया है। अब हमने ऊपर की तरफ से इसको इस तरह से डालेंगे इसके अंदर, और इस तरह से करके, और थोड़ा सा फोल्ड हम करते हुए, और यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। लास्टिक हमारी कम है और कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इस तरीके से खींचकर लास्टिक के अंदर कपड़े को पूरा करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से, और अब एक सिलाई हम यहाँ बीच में लगाएंगे पूरा खींचते हुए कपड़े को। लास्टिक को ऐसे खींचेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। अब नीचे की तरफ हमें इस तरह फोल्ड करते हुए, और इतना इतना हमें फोल्ड करेंगे, और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से फोल्ड करते हुए हम जो लंबाई है इस तरह निशान एक बार और लगाएंगे, तो ये 18-18 इंच की हमें तैयार लंबाई रखनी है। और नीचे से बाकी कपड़ा हम इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। तो इतना इतना ही हमें फोल्ड करना है जो हमने निशान लगाया है। अब यहाँ किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हमने सूट में से बचे हुए कपड़े में से हमने ये बेबी ड्रेस तैयार की है, और बनने के बाद ये कितनी प्यारी लग रही है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।